हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन पीआर प्ले। मैं हूं प्रतीक और आज हम बात करेंगे कि बोनट्स के अंदर जो जो पार्ट हैं वो किस काम आते हैं और कौन सा पार्ट कहां लगा होता है, किस पार्ट को क्या कहते हैं। जब हम नई कार अपने घर पे परचेज़ करके लाते हैं, फर्स्ट कार जो रहती है हमारी, जब हम उसका बोनट खोलने जाते हैं तो बोनट खोलने के बाद जब हम अंदर देखते हैं उसके, तो हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार ये इंजन तो समझ में आ रहा है पर ये और सब पार्ट, ये क्या तिकड़म भरा हुआ है, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आज यही कन्फ्यूज़न को हम आपके दूर करेंगे, बताएंगे कौन सा पार्ट किस काम आता है और किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। देखिए, इस टॉपिक के रिलेटेड मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको मैंने बताया था कि कैसे कार को घर में आप छोटी मोटी सर्विस दे सकते हैं, खुद ही सर्विस कर सकते हैं। तो उसमें मैंने कई पार्ट को क्लियर कर दिया था, पर जो बचे कुछ पार्ट हैं वो इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ से ये लीवर ओपन होता है और सभी कारों में ज़्यादातर यहाँ पर ही होता है बोनट ओपन करने के लिए। और इसके बाद जो पहली बार बोनट ओपन करता है तो उसको तो इसी चीज़ में मुश्किल होती है कि आपको इस तरह से अपने हाथ को लेफ्ट साइड से राइट साइड को मूव करना होता है और ये क्लिप जो है आपको हटानी होती है आपके सामने जो इस समय दिख रही है। तो ये क्लिप जब आप हटाते हैं तो ये बोनट ये यहाँ से निकल जाता है और ये खुलता है और इस तरह से आप यहाँ उसे रोक देते हैं। और इंजन तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद आपको बैटरी भी पता ही चल जाती है देखते ही कि हाँ यार भाई ये बैटरी ही होगी। और उसके बाद आपको मैं ये बताऊं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये है फ्यूज़ बॉक्स, सारे फ्यूज़ यहाँ पे फिट हैं, आप देख रहे हैं, जैसे कि हर कोई कंट्रोलिंग यहाँ से होती है इस जगह से। और इसके बाद सारे पार्ट्स तक सिग्नल जाता है, आप देख रहे हैं हर वायर, ये इंजन का भी वायर देख रहे हैं आप, बैटरी के लिए भी देख रहे हैं, हर जगह का एक अलग वायर और अलग फ्यूज़ यहाँ पे लगा हुआ है। और इसको हम बंद कर देते हैं। ये बैटरी है, पर प्लस माइनस आपको पता है सब पूरे इसके बारे में। और पर आपको दिमाग में आता होगा कि बैटरी चार्ज कैसे होती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इंजन का जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि इंजन किस तरह से काम करता है और टाइमिंग बेल्ट जो उसमें होती है उसके पे वीडियो बनाया था, तो ये रही टाइमिंग बेल्ट, ये देख रहे हैं आप। और ये है जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये इंजन का पार्ट नहीं है, ये अलग से जो लगा हुआ है, ये है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो ये इंजन की जो मूवमेंट है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और यहाँ पे ये बैटरी को सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो चार्ज होके यहाँ पे उसको सेव करके रखती है एनर्जी को। और जो बैटरी से चलने वाले पार्ट्स हैं, और आपको पता भी है कार जो स्टार्ट होती है जब आप स्टार्ट करते हैं तो भी इसके मदद से ही होती है। तो जो भी पार्ट्स हैं वो फिर बैटरी से जुड़े होते हैं, इसके बारे में भी आप अच्छे से जानकारी रखते हैं। इसके बाद जो स्टार्ट होती है तो उसमें मेन रोल क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये कन्वर्टर आप देख रहे हैं, सॉरी स्टार्टर देख रहे हैं आप, ये स्टार्टर लगा हुआ है, आप टू व्हीलर्स वगैरह में भी देखते होंगे, ये कार में इस तरह का स्टार्टर होता है। और हर कार में जो पार्ट्स होते हैं वो कुछ अलग अलग जगह पे फिट रहते हैं, पर दिखते इसी सेम इसी तरीके से हैं, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ मेरी कार में ये जो है ये स्टार्टर है। पर स्टार्टर जो है वो डायरेक्ट फ्यूज़ से नहीं जुड़ा होता है, वो डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती है उसके लिए भी। इसके बीच में भी एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, कूलेंट के बारे में। कूलेंट के बारे में तो मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है, कई वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है कैसे आप कूलेंट फिल करेंगे, कैसे कूलेंट का ये जो कैप है, कभी भी ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि इसको इस तरह से ओपन ना करें जब कार चल के आ रही हो, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, और जब गर्म रहेगा तो ये आपके खोलने पर बाहर की तरफ निकल सकता है और आपको जला सकता है। तो इसको तभी ओपन करें जब आपका इंजन ठंडा हो। तो मैंने कई वीडियो में इसको ओपन करके दिखाया है, फिर भी मैं आपको एक और बार ओपन करके दिखा देता हूँ इसको। तो ये रहा, देख रहे हैं आप कूलेंट पूरा फिल है,
और मैंने कई वीडियो में बताया था कि कूलेंट को अगर आप खुद से फिल कर रहे हैं तो ओवरफ्लो ना होने पाए इसके लिए आपको इस लेवल तक ही फिल करना है। ये इसका आखिरी लेवल है, इससे ज़्यादा फिल नहीं करना होता है। अब हम इसको कैप को बंद कर देते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ एयर फिल्टर को। एयर फिल्टर तो मैंने अलग से वीडियो बनाई है और कैसे एयर फिल्टर को ओपन किया जाएगा और कैसे इसको साफ़ किया जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर अभी आज तक आपने नहीं देखा है। हर कार में ये अलग अलग जगह पे होता है, पर इस तरह से बॉक्स बना होता है और इसके अंदर एयर फिल्टर लगा होता है। ये मैं थोड़ा सा आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लगा हुआ एयर फिल्टर जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का। तो ये फिर इसके बाद एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे ये लगा हुआ, ये देखिए सामने आपको दिख रहा है। तो हर कार में ये इसी तरह से आगे की तरफ लगा रहता है रेडिएटर में। और इसके बाद ये फिर एयर सप्लाई होके कूलेंट ठंडा करता है उसे और एयर फिल्टर एयर को फिल्टर करता है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। ये ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर ये लगी हुई है, ज़्यादातर कारों में सभी में यहीं पे ये लगी रहती है, आप अपनी कार में भी देखेंगे। और इसके बाद ये भी मैंने आपको बताया है ब्रेक फ्लूड के बारे में, ब्रेक फ्लूड का और क्या यूज़ेस आप कैसे यूज़ में ले सकते हैं इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, जो मुझे मेरे पुराने फॉलोअर हैं वो सब इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये मैंने खोला है और ये पूरा भरा हुआ। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो विंडशील्ड वॉशर रहता है, वो तो आपको पता ही है कि यहाँ पे होता है और ये इस तरह से आपको इसमें पानी डालना होता है, या तो इस तरह से आप इसमें विंडशील्ड क्लीनर डाल सकते हैं। और ये इस पाइप के थ्रू ये यहाँ पे यहाँ से मोटर से पंप होता है और इस पाइप के थ्रू ये आपके विंडशील्ड तक पहुँचता है। और हेडलाइट्स के जो फ्यूज़ हैं वो यहाँ पे ये इस तरह से लगे हुए हैं दोनों तरफ, और वो उधर आपको अंदर की तरफ ड्राइव ट्रेन दिख जाएगी जो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले वीडियो में, जो व्हील को पावर सप्लाई करती है, व्हील तक पावर पहुंचाती है ट्रांसमिशन से। जाना कि कौन कौन से पार्ट्स छुपे होते हैं आपकी कार के बोनेट के अंदर। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप जुड़े रहें हमारे साथ। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।